आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। महाराष्ट्र के नासिक जिले की अदालत का एक अनोखा फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मारपीट के एक दोषी को कोर्ट ने जेल भेजने की बजाय ऐसी सजा दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। कोर्ट ने दोषी को 21 दिनों तक हर रोज 2 पेड़ लगाने और दिन में 5 बार नमाज अदा करने का आदेश दिया है। मारपीट के आरोप में दोषी पाया गया युवक मुस्लिम है, यही कारण है कि उसे दिन में 5 बार नमाज अदा करने को कहा गया है। मजिस्ट्रेट तेजविंदर सिंह संधू ने 27 फरवरी को पारित आदेश में कहा है कि प्रोबेशनल ऑफेंडर्स एक्ट के प्रावधानों में एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी दोषी को चेतावनी या उचित चेतावनी देकर रिहा कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपराध नहीं दोहराता है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा मामले में केवल चेतावनी ही काफ़ी नहीं होगी और यह महत्वपूर्ण है कि दोषी अपनी दोष सिद्धि को याद रखे ताकि वह इसे न दोहराए। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मेरे अनुसार उचित चेतावनी देने का मतलब यह समझना है कि अपराध किया गया था, आरोपी को दोष साबित कर दिया गया है और वह इसे याद रखे ताकि वह फिर से अपराध न दोहराए। 30 साल के रऊफ खान पर 2010 के एक मामले में एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला करने और सड़क दुर्घटना के विवाद में उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान खान ने कहा कि वह नियमित नमाज नहीं पढ़ते। इसे देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी से शुरू होकर 21 दिनों तक दिन में 5 बार नमाज अदा करने, सोनापुरा मस्जिद परिसर में 2 पेड़ लगाने और पेड़ों की देखभाल करने का आदेश दिया है। खान पर IPC की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 325 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना और 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने खान को IPC की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।